नमस्कार मित्रों, आज देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 6.2 6.1 तो देख लिया हमने। तो चलिए इधर उधर की बातें छोड़ के हम मुद्दे पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें मीडियन निकालना है। पहले हमने मोड निकाला, इसमें हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। ऑटो रोटेट चालू करने दीजिए मुझे, ताकि ऑटो रोटेट हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हमें मीडियन निकालना है। इसमें हमें उसी प्रकार से क्लास है, क्लास के बाद फिर यहाँ पे तीन ही कॉलम रहते हैं। एक तो होता है क्लास, एक फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखिए, हम मैं जब बॉक्स निकालूंगा तब आपको सब पता चल जाएगा। पहले तो क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिखना है लेस दैन। तो देखिए सबसे पहले आपको टेबल देखते ही पता चल जाएगा क्लास क्या है। यहाँ पे डेली नंबर ऑफ आवर्स क्या है, क्लास है। 8 से 10 आवर्स ये क्लास हो गया। हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें जो नंबर ऑफ आवर वर्क करते हैं, जो वर्कर्स है वो कितने आवर्स वर्क करते हैं वो दिया हुआ है, और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है वो दिया हुआ है। तो आवर्स जो दिए है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये जो है सारे क्लास में लिखना है हमें। 10 से फिर 12, फिर 12 से 14, फिर 14 से 16, इतना है बस। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 150 वर्कर्स इतना काम करते हैं, फिर इतना काम, इतना और काम, 500 वर्कर्स इतने और काम करते हैं, फिर 300 वर्कर्स, फिर 50। अब ये सारी चीजें हमें दी हुई है। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकालनी है, पहली फ्रीक्वेंसी तो हमें एज इट इज लिखना है। फिर जो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों की एडिशन करनी है हमें, ये 150 और ये 500, फिर वो ये हो जाएगा 650। देखिए इस प्रकार से एडिशन करनी है हमें, इन दोनों की एडिशन, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की एडिशन करके फिर यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों की एडिशन करनी है और फिर यहाँ पर लिखना है वो 650 और 300, 950 हो जाएगा, और ये 950 और ये 50 हो जाएगी 1000। हमें क्या मिल जाएंगे, 1000। तो इस प्रकार से हमें एडिशन करनी है और फिर ये इसमें लिखना है। तो अब ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरो ऐसे निकालना नहीं है, ये रफ में मैं आपको समझाने के लिए निकालूंगा जस्ट। तो यन यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यन से। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी ये फ्रीक्वेंसी। अब देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी अगर इस फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो आपने करेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें मिली है 1000। तो जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी मिली है हमें उसका हमें हाफ करना है, 1000 का हाफ, तो क्या होगा 500। तब हमें इसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी देखनी है जो 500 से बड़ी है, 500 से बड़ी, यानी ये सारी चीज फ्रीक्वेंसी बड़ी है लेकिन जस्ट बड़ी, उससे ग्रेटर, सारी नहीं लेने हैं, उससे बड़ी वाली पहली फ्रीक्वेंसी, उससे बड़ी भी हो और पहली हो उसमें, ऐसी 650 है उससे जस्ट बड़ी। तो इसको कहते हैं हम मीडियन क्लास, इसको कहते हैं मीडियन क्लास, सॉरी। तो ये जो हो गया है उसकी लोअर लिमिट L, H यानी इन दोनों में डिफरेंस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 12 में से 10 चले गए,
क्या है इसका क्लास इंटरवल, दो। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टू, और लोअर लिमिट 10 है। और फ्रीक्वेंसी, इसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ, और इस क्लास के पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं सी एफ। लेस देन क्यों लिखा है मैंने, अभी समझ में आ गया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, लेस देन यानी इस मीडियम क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी को लेना है हमें, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। तो चलिए फॉर्मूला है मीडियन के लिए, मीडियन मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू क्या है यहां पर, 10 है, प्लस एन बाय टू, एन बाय टू क्या आया 500, माइनस सी एफ, सी एफ क्या है 150 अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहां पर 500, इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है यहां पर, दो, क्लास इंटरवल क्या है टू, क्लास इंटरवल यानी इन दोनों में का डिफरेंस, एक क्लास का इंटरवल यानी ये क्लास है ना, तो क्लास में जो डिफरेंस है, एक क्लास की लेंथ यानी क्लास की लेंथ, क्लास 12 में से 10, 12 में से 10 चले गए, 2 रह गए 2, तो उसका क्लास इंटरवल 2 हो गया है। तो चलिए अब हम मीडियन निकालेंगे, ये क्लियर कर देता हूं मैं, इसे लिख लीजिए। मीडियन निकालना है अब हमें, मीडियन यहां पे क्या है 10 प्लस 500 में से 150 चले गए, कितने रहेंगे, कितने बचेंगे 350, टू अंदर टू, इसको हाफ कर दिया, 500 की हाफ हो गई 250, इन दोनों 2 से इस 500 को डिवाइड कर दिया मैंने, फिर हो गए 250, 10 प्लस ये 0 0 कट गया, 5 से अंदर 5 5 दो, सेवन अपॉन 5, फिर ये 10 प्लस 5 वाला 5 दिया है पॉइंट, फिर क्या बचेगा 2 बचेगा, 5 4 दा 20, 5 से 7 को डिवाइड कर दीजिए 1.4 आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर होगा 11.4 आवर्स। तो कितना मीडियन क्या निकला, उनके काम करने का, जो वर्कर काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में उसका मीडियन निकला है 11.4 आवर्स, 11.4 आवर्स मीडियन काम करते हैं, एन एवरेज कितना काम करते हैं वो लोग, इस प्रकार से मीडियन आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, देखिए सारी चीजें ध्यान से देख लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिपीट कीजिए वीडियो को, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कॉल कीजिए, मैं आपको डाउट आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बहुत ही आसान है ये फ्रीक्वेंसी का मीडियन निकालना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। अब इसमें तो हमें क्लास दिया था कंटिन्यूअस क्लास, कभी कभी डिसकंटिन्यूअस क्लास दिया जाता है, क्लास कैसा दिया जाता है, डिसकंटिन्यूअस दिया जाता है, तो डिसकंटिन्यूअस क्लास में हमें कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है उसे देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने सॉल्व करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्लास कंटिन्यूअस दिया है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉलम ज्यादा बढ़ेगा, अगर क्लास डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है हमें तो उसे कंटिन्यूअस बनाना है। अब ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या है देखिए, ये क्लास, फिर ये कंटिन्यूअस क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी,
क्वेश्चन नंबर थ्री ले आओ मैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड, नंबर ऑफ व्हीकल दिया हुआ है और उनकी स्पीड भी। कहां पे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में। तो मीडियन निकालना है हमें, स्पीड दी हुई है वो है क्लास पहले तो 60 से 64, फिर यहाँ पे 64 दिया हुआ है गलती से 65 है, उसे प्रिंट मिस्टेक है 65 कर लीजिए, फिर 70 से 74, फिर 75 से 79, फिर 80 से 84, फिर 85 से 89। दो तीन जगह पर प्रिंट मिस्टेक दी हुई है क्वेश्चन में से, क्लास मत लिखिए, क्लास मैंने जो लिखा है वो लिखिए। आपकी बुक में प्रिंट मिस्टेक दी हुई है तीन जगह पे, वो देखिए कहाँ कहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लीजिए, रिकरेक्ट कर लीजिए इसे देखकर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, 34, पहले की तो 10, फिर 34, फिर इसकी जो आती है 55, 85, फिर 10 और 6, ये है फ्रीक्वेंसी। अभी हमें कंटिन्यूस होना है, ये क्लास कंटिन्यूस है क्या, देखो 60 से 64 तक, 4 तक पहला क्लास है, बाद में 65 से चलता है क्लास, यानी 1 का गैप है, 64 और 65 में कितना गैप है, 1 का, फिर यहाँ पे 69 पर खत्म होता है, और फिर 69 से नहीं चालू होता है बल्कि 70 से चालू होता है, फिर यहाँ पर 74 पे खत्म होता है लेकिन 74 से नहीं बल्कि 75 से चालू होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर खत्म होता है। अगर यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू अगर सेम है, यानी यहाँ पे खत्म हुआ और वहां से ही दूसरा शुरू होता है, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस, या तो नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। मोबाइल बहुत ही बज रहा है इसे मैं साइलेंट कर देता हूँ। तो चलिए अभी कंटिन्यूअस क्लास बनाते हैं हम, कंटिन्यूअस क्लास किसे, ये डिसकंटिन्यूअस है यानी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है। तो कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, पहले 64 और 65 में 1 का गैप है, 69-70 में 1 का गैप है, 74-75 में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है, 1 का गैप है। तो 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 0.5 होगा, क्या मिलेगा हमें 0.5 यानी हाफ, 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद हाफ मिलेगा, इसमें गैप है 1 का और उसे 2 से डिवाइड करने के बाद हमें हाफ मिलता है, तो ये हाफ जो है वो लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट लिख लीजिए, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट से अपर लिमिट में ऐड करना है, अपर लिमिट यानी ये इसमें ऐड करना है ये 0.5 और जो भी लोअर लिमिट है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, उससे सब्ट्रैक्ट करना है 0.5, तो 60 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, क्या होगा 59.5 और इसमें ऐड करना है अपर लिमिट में ऐड करना है यानी 64.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, फिर होगा 64.5 और ये होगा 69.5, फिर ये 69.5 और ये 74.5, फिर ये 74.5 और ये 79.5, फिर ये 79.5 और ये 84.5, फिर ये 84.5 और ये 89.5। तो अब हो गई कंटिन्यूस क्लास, यहाँ पर जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू, जहां से खत्म हो रहा है वहां पे ही शुरू हो रहा है, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूस क्लास, कंटिन्यूस क्लास मिल गया हमें, तो इसे ये कंटिन्यूस क्लास है, इसको यूज करके हम हमें सारी चीजें निकालनी। देखिए पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है हमें, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं हम, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखते हैं 10 + 34 यानी 44, फिर 44 + 55 क्या होगा 99, फिर इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 184, फिर 184 + 10 क्या होगा 194,
और 194 प्लस 6 यानी 200, एन की वैल्यू क्या मिलती है हमें 200, एन की वैल्यू 200 ही यानी एन बाय 200 हो जाएगा, एन बाय 2 कितना होगा 100 से बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट बड़ी वाली, जस्ट उससे थोड़ी बड़ी, सारे नहीं, ये तो तीन सब नीचे के सारे बड़े ही हैं, लेकिन जस्ट बड़ी उससे ये है 184। तो ये जो क्लास है ये हो गया मीडियम क्लास, और ये जो लिमिट है उसकी उसे कहेंगे लोअर लिमिट L। इन दोनों में जो क्लास इंटरवल है कितना है क्लास इंटरवल इन दोनों में निकालिए, 79.5 डिवाइडेड माइनस 74.5, ये 0, ये 5, ये 0, यानी h, h की वैल्यू क्या है 5, उसमें क्लास इंटरवल कितना है 5, h की वैल्यू हमें मिलती है 5, लिख लीजिए यहाँ पे h की वैल्यू 5, l की वैल्यू 74.5। अभी cf निकालना है हमें, ये है cf और ये है f, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे हम और आंसर निकालेंगे, इसे मिटा दूं मैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे पहले मीडियन, मीडियन इक्वल टू फार्मूला क्या है L प्लस n अपॉन 2, फार्मूला याद कीजिए, सारा गेम फार्मूले पे है, सारा गेम फार्मूले पे है, इनटू h, L की वैल्यू क्या है 74.5 प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 क्या होगा n अपॉन 2 यानी 100 जो हमने निकाला, n अपॉन 2 100 माइनस cf, cf क्या है 99 अपॉन f, फ्रीक्वेंसी क्या है 85 इंटू h, h की वैल्यू क्या निकली हमें 5 मिली, क्या मिली हमें 5 मिली। अब ये 100 में से 99 चले गए, 100 में से 99 चले गए, क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्योंकि अभी जगह नहीं है, इसलिए 1 अपॉन 85 और ये 5 इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17। तो चलो इसे मिटा देता हूँ, 5 से डिवाइड किया इसे मुझे क्या मिला 17। फिर अभी 1 अपॉन 17 निकालिए क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन 17 की 17 1 0 दिया पॉइंट दिया 10 हो जाएगा, 10 से भी कुछ नहीं होगा, फिर 0 से फिर 100 हो जाएगा 17 का टेबल बोलिए 100 तक 17 5 85 बचेंगे 15, फिर 0 दे दिया मैंने, फिर आएगा 8 17 8 जा समथिंग कुछ तो भी होगा 1 फिर 17 9 जा तो नहीं दे सकते हम क्योंकि वो 153 होता है, 153 से थोड़ा सा कम है, तो मुझे वैल्यू मिल गई है 74.5 प्लस 0.058। अब इसकी एडिशन करनी है, वो आएगी 74.558 और ये होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75। तो इसका आंसर क्या है 75, बहुत ही आसान सा आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था 75 क्या है देखता हूँ, 75 क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड निकालनी थी हमें, क्या निकालनी थी स्पीड, उनकी स्पीड क्या है 75 एंड मीडियन यानी उसका एवरेज 75 उसका मीडियन स्पीड है, स्पीड किस में दी हुई है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हार्ड था उसे मैंने सॉल्व करके दे दिया है, तो होमवर्क जल्दी से होमवर्क खत्म कीजिए
और लेक्चर पे बने रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।